हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय क्लास अगेन। आज हम सभी लोगों को डिस्कस करना है कि किस तरह से रिएक्शन मैकेनिज्म की हेल्प से हम रेट लॉ डिफाइन करते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन के लिए। लास्ट क्लासेस में हम लोगों ने ये सीखा था कि रेट लॉ क्या होता है, किस तरह से इस एक्सप्रेशन को बनाया जाता है, इसकी जनरल फॉर्म क्या होती है, और साथ ही साथ में हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस भी डिस्कस किए थे ताकि पूरी तरीके से हम इस कॉन्सेप्ट को समझ जाएं। आज हमें थोड़ा सा और इसी टॉपिक को एक्सटेंड करना है। तो देखिए, हम लोग मैकेनिज्म के थ्रू रेट लॉ लिखना तो सीखेंगे, लेकिन डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की रिएक्शन के लिए इस कॉन्सेप्ट का यूज़ ज़्यादातर हमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पड़ता है। फिजिकल और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इसकी इम्पॉर्टेंस बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन हमें जब अगर क्वेश्चन दे देगा तो हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना आना चाहिए, और बस उसी कॉन्सेप्ट के लिए, मतलब इसी काम को करने के लिए क्वेश्चन हमसे हो जाए, हमें ये कॉन्सेप्ट पढ़ना पड़ेगा। बात आई आपको समझ में? चलिए, सबसे पहले तो हम लोग हेडिंग लिख लेंगे कि रेट लॉ बाय मैकेनिज्म। अब यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हम लोग रेट लॉ डिफाइन करना सीखेंगे किसी सिंगल स्टेप रिएक्शन के लिए। अब सबसे पहले तो हमें ये जानना पड़ेगा कि सिंगल स्टेप रिएक्शन होती क्या है। तो सिंगल स्टेप रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जिसमें रिएक्टेंट्स डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाते हैं प्रोडक्ट्स में, और कोई भी स्टेप इसमें इन्वॉल्व नहीं होता। मतलब अगर हम एक सिंगल स्टेप रिएक्शन को डिनोट करना चाहें तो हम बोल सकते हैं, सपोज करिए कि ए प्लस बी मेरे पास रिएक्टेंट्स है जो डायरेक्टली कन्वर्ट हो गए किसमें, प्रोडक्ट्स में। तो मैं बोलूँगा कि अगर ये डायरेक्टली कन्वर्जन हो रहा है तो ये मेरे लिए एक सिंगल स्टेप रिएक्शन होगी जिसमें फर्दर और कोई भी स्टेप इन्वॉल्व नहीं होगा। अगर ऐसी रिएक्शंस की मैं बात करूं तो देखिए, इन रिएक्शन की स्पेशलिटी ये है कि इनमें कोई भी इंटरमीडिएट प्रोडक्ट फॉर्म नहीं होता। अब इंटरमीडिएट प्रोडक्ट का मतलब क्या? इंटरमीडिएट प्रोडक्ट यानी वो कोई भी कंपाउंड जो आपको मेन केमिकल इक्वेशन में ना दिखे। जैसे सपोज करिए, अगर यहाँ पर मान लीजिए ए प्लस बी से प्रोडक्ट्स के बनते समय कोई दूसरा नया सब्सटेंस जैसे ए टू बी टू या फिर ए बी वगैरह अगर फॉर्म हो गया, तो मैं बोलूँगा कि ये मेरे लिए इंटरमीडिएट कंपाउंड्स हैं, क्योंकि ये मुझे मेन इक्वेशन में कहीं भी दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। तो जिनमें इंटरमीडिएट्स ना बने वो क्या होती हैं? सिंगल स्टेप रिएक्शन। और इनके लिए आप रेट लॉ को डायरेक्टली ही डिफाइन कर सकते हैं। जैसे अगर इस इक्वेशन के लिए मुझे रेट लॉ लिखना हो तो मैं कैसे लिखूँगा? R इज इक्वल्स टू के, रेट इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट इन टू कंसेंट्रेशन ऑफ किसका, A का, और उसके मोलर कोफिशियंट कितना, 1, तो पावर 1 दे देंगे, इन टू में कंसेंट्रेशन ऑफ B, और इसका मोलर कोफिशियंट कितना, 1, तो इसके भी पावर हमने क्या दे दी, 1। तो ये रेट लॉ मैंने लिख लिया सिंपली किसके लिए, इस सिंगल स्टेप रिएक्शन के लिए बिना किसी भी झंझट के। बात आ गई ना समझ में? अब यहाँ से अगर इस रेट लॉ को देखते हुए हमसे पूछे कि बताइए ऑर्डर कितना है रिएक्शन का, तो हम डायरेक्टली यहाँ से बता सकते हैं कि रिएक्शन का ऑर्डर क्या होता है, x प्लस वाई के बराबर, यानी 1+1 यानी 2 के बराबर हमारा ऑर्डर हो गया यहाँ पर। इतने पोर्शन में क्या आपको कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं हुआ, ये तो ईजी होता है। अभी तक हम जैसे रेट लॉ को लिखते आ रहे थे, सिंपली हमें उसी तरीके से लिखना होगा, ठीक, सिंगल स्टेप रिएक्शन के लिए। अच्छा, एक चीज़ हम लोग यहाँ पे और देख लेते हैं, ऑर्डर की हमने बात लास्ट क्लास में भी की थी। तो ऑर्डर मैंने आपको बताया था कि हमेशा एक एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी होती है जिसे कभी भी थ्योरेटिकली डिटरमाइन नहीं करना चाहिए। लेकिन यहाँ से देखिए, एक चीज़ और है कि किसी भी रिएक्शन का जो ऑर्डर है ना, वो एक इंटीग्रल वैल्यू भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव एज वेल एज फ्रैक्शनल भी हो सकता है। तो ऑर्डर कुल मिला जुला के इसमें से कुछ भी हो सकता है। लेकिन अभी आगे हम मॉलिक्यूलैरिटी की बात करेंगे, तो मॉलिक्यूलैरिटी जो होगी किसी भी रिएक्शन की, वो ऑलवेज एक इंटीग्रल नंबर ही होती है, उसे हम फ्रैक्शनल या फिर नेगेटिव नहीं कर सकते हैं। यहाँ तक कि ऑर्डर ना जीरो भी हो सकता है आपका, लेकिन मॉलिक्यूलैरिटी कभी भी जीरो नहीं होगी। ये सारी चीज़ें आप ध्यान में रखिएगा, इसको आप पेज के हेड पर नोट बना कर भी लिख सकते हैं, जो ऑर्डर का पॉइंट मैंने आपको बोला है। अब यहाँ से देखिए, सिंगल स्टेप रिएक्शन की तो हमने बात कर ली किस तरह से इसके लिए रेट लॉ डिफाइन किया जाए। अब हम लोग बात करते हैं कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस, यानी किसी मल्टी स्टेप रिएक्शन के बारे में, कि किसी मल्टी स्टेप रिएक्शन के लिए हम रेट लॉ किस तरह से लिखते हैं। अब जैसे देखिए, अगर हम किसी मल्टी स्टेप रिएक्शन की बात करें, मल्टी स्टेप रिएक्शन,
या फिर इन्हें कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस भी कहा जाता है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस। ये रिएक्शंस कैसी रिएक्शंस होती हैं? मल्टी स्टेप या फिर कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस वो हैं जिनमें आपके रिएक्टेंट्स डायरेक्टली प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हो जाते, बल्कि ये काम डिफरेंट डिफरेंट स्टेप्स में होता है, जनरली टू या टू से ज़्यादा स्टेप्स भी हो सकते हैं। जैसे अगर मैं इनका आपको एक एग्जांपल देना चाहूँ, तो मानिए कि ए टू प्लस बी टू आपस में रिएक्ट करके मुझे टू टाइम्स ऑफ ए बी बना के देते हैं। समझ में आई बात? ये मैं आपको बोल रहा हूँ कि ये क्या है, कोई मल्टी स्टेप रिएक्शन है। समझ में आ गई बात? अब देखिए, इस मल्टी स्टेप रिएक्शन में जो डिफरेंट स्टेप्स इन्वॉल्व हैं प्रोडक्ट के कन्वर्जन में, वो क्या क्या हैं? तो स्टेप फर्स्ट अगर मैं यहाँ पे आपको लिख के दिखाऊँ, तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है। मान लीजिए ए टू जो है उसका ब्रेक डाउन हो रहा है इन ए प्लस ए। समझ में आ गई बात? और मैं आपको बोल रहा हूँ कि ये कैसा स्टेप है, मेरे लिए स्लो स्टेप है, कि ए टू का ब्रेक डाउन ए और ए में कैसे रिएक्शन, एक स्लो स्टेप के रिएक्शन है। ये स्टेप फर्स्ट हो गया हमारा। अब यहाँ से देखिए सेकंड स्टेप में यहाँ पर क्या हो रहा है, ए और बी टू आपस में रिएक्ट करके ए बी फॉर्म कर लेते हैं और प्लस यहाँ से क्या बनता है, बी। बात आ गई ना आपको समझ में? ये सेकंड स्टेप है रिएक्शन का। और थर्ड स्टेप में यहाँ पर क्या होता है, थर्ड स्टेप में यहाँ पर ये देखिए जो बी बचा है, ये बी और प्लस यहाँ से आपका एक ए, क्योंकि एक ही ए यहाँ पर इन्वॉल्व हुआ, तो एक ए बचा हुआ है, ये ए आपस में कंबाइंड होके क्या फॉर्म कर लेते हैं, ए बी। तो अब फाइनली इन तीन स्टेप्स में हमारी ये पूरी की पूरी रिएक्शन जो है वो कंप्लीट हो जाती है। देखिए आपको प्रोडक्ट्स में टू टाइम्स ऑफ ए बी मिल गया, एक ए बी आपको सेकंड स्टेप से मिला है और थर्ड ए बी आपको, सॉरी दूसरा वाला ए बी आपको थर्ड स्टेप से। तो ये होती है मल्टी स्टेप रिएक्शन। आप खुद देख रहे हैं कि यहाँ पे ए टू और बी टू से जो प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है ए बी, वो आपको डायरेक्टली नहीं फॉर्म होके मिला है, बल्कि ये रिएक्शन डिफरेंट डिफरेंट तीन स्टेप्स में हुई है। ठीक, तो ऐसी रिएक्शंस जिनमें ढेर सारे स्टेप इन्वॉल्व हो, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, मल्टी स्टेप रिएक्शन। और इनके लिए रेट लॉ लिखते समय ना मुझे बहुत ही सावधान रहना पड़ता है, क्योंकि मल्टी स्टेप रिएक्शंस से रिलेटेड प्रॉब्लम एक तो हमें एग्ज़ाम में बहुत ही भर भर के पूछी जाती है, और अच्छे मार्क्स अच्छे नंबर्स में ये प्रॉब्लम हमसे जब भी पूछेगा तो पूछेगा। समझ में आई बात? दूसरी चीज़ ये है, देखिए रेट लॉ लिखते समय आपको ध्यान क्या क्या बातें रखनी है। तो इन रिएक्शंस के लिए रेट लॉ लिखते समय आपको ध्यान ये रखना है कि जो भी इंटरमीडिएट यहाँ पर बन रहे होंगे रिएक्शन में, उन्हें मुझे इन्वॉल्व नहीं करना होगा रेट लॉ की एक्सप्रेशन लिखते समय। और अगर इंटरमीडिएट मेरे रेट लॉ में इन्वॉल्व हो जा रहे हैं, तो मैं उन्हें रिप्लेस कर दूंगा किसी अनादर रिवर्सिबल स्टेप को रिएक्शन से यूज़ करके। बात आई समझ में? तो यहाँ पर देखिए इंटरमीडिएट कौन कौन से हैं, जैसे ये ए हो, यहाँ पर आपको दिख रहे हैं जो ए है, ये टू टाइम्स ऑफ ए आप कह सकते हैं, ये यहाँ पर रिएक्शन इंटरमीडिएट है, बिकॉज ये मुझे कहीं भी मेन रिएक्शन में दिखाई नहीं पड़ रहा है। और एक बात यहाँ पर देखिए, ये जो बी है ये भी मेरे लिए रिएक्शन इंटरमीडिएट है, क्योंकि ये भी मुझे कहीं पर इस मेन रिएक्शन में दिखाई नहीं पड़ रहा है। बात आ गई ना आपको समझ में? तो ध्यान आपको यही रखना है कि इन इंटरमीडिएट्स को आपको नहीं इंक्लूड करना होगा रेट लॉ की एक्सप्रेशन में। समझ में आ गई बात? तो यहाँ पर आप इसी पॉइंट को नोट कर लीजिए, रेट लॉ, और यहाँ पर नीचे आप क्या लिख लीजिए कि इंटरमीडिएट्स, इंटरमीडिएट्स शुडंट इन्वॉल्व। एक बात यह आपको ध्यान रखनी है। दूसरी चीज़ देखिए आपको जो ध्यान रखनी है वो है इन रिएक्शंस का ऑर्डर हम कैसे डिसाइड करें, बिकॉज अगर जो है मेरी रिएक्शन मल्टी स्टेप थी, तो सिंगल स्टेप थी, ठीक है, पता नहीं आज कैसे कैसे वर्ड्स निकल रहे हैं, अगर स्लो स्टेप थी मेरी रिएक्शन सिंगल स्टेप, तो देखिए सिंगल स्टेप रिएक्शन में मेरे लिए क्या था कि ऑर्डर मैं डायरेक्टली वहाँ से देख के बता सकता था, बिकॉज वो एक ही स्टेप में कंप्लीट होने वाली रिएक्शन थी। लेकिन अगर मल्टी स्टेप रिएक्शन है, यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट स्टेप्स इन्वॉल्व हैं किसी रिएक्शन में, तो यहाँ पर मैं ऑर्डर भी डायरेक्टली प्रेडिक्ट नहीं कर सकता हूँ। तो ऑर्डर जब भी आपको मल्टी स्टेप रिएक्शन का लिखना पड़े ना, आप कहाँ से लिखेंगे? हमेशा इस स्लो वाले स्टेप से,
जो आपको स्लोवेस्ट स्टेप का ऑर्डर मिलेगा ना, वही ऑर्डर होगा पूरी की पूरी कंप्लीट रिएक्शन का। तो ध्यान रखिएगा कि ऑर्डर आपको हमेशा कहाँ से मिलेगा मल्टी स्टेप रिएक्शन का, स्लोवेस्ट स्टेप से। स्लोवेस्ट स्टेप का जो ऑर्डर होगा वही होगा रिएक्शन का ऑर्डर। यानी कि हम लोग इस स्टेप को ना इसी वजह से एक स्पेशल नाम देते हैं, और वो स्पेशल नाम क्या होता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। इसे हम क्या बोलते हैं, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, क्योंकि इसी स्टेप को देखते हुए मुझे आगे फर्दर प्रोसीड करना होता है, सारे काम इसी स्टेप को देखते हुए करने होते हैं। बात आ रही ना आपको समझ में? तो ये एक मैंने और तरीका आपको बता दिया कि मल्टी स्टेप रिएक्शंस के लिए हम किस तरह से रेट लॉ लिखें। अब चलिए इस पर बेस मैं आपको एक प्रॉब्लम करवा देता हूँ, ताकि आपका डाउट इस वाले पोर्शन से जो भी रिलेटेड है वो एकदम तुरंत का तुरंत सॉर्ट आउट हो जाए, क्लियर हो जाए। बात आ रही है आपको समझ में? चलिए करते हैं हम लोग एक सिंपल सी बेसिक प्रॉब्लम। चलिए एक प्रॉब्लम है, छोटा सा एग्जांपल हमसे कह रहा है प्रॉब्लम में, फाइंड रेट लॉ। और हमें एक इक्वेशन दी हुई है जनरल सी कि A2 प्लस B2 आपस में रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, 2 times ऑफ AB, जिसके लिए मुझे डिफरेंट स्टेप्स भी यहाँ पर दिए गए हैं। फर्स्ट स्टेप क्या है इस रिएक्शन के लिए, हमसे बोल रहा है क्वेश्चन में कि ये एक मल्टी स्टेप रिएक्शन है, मीन्स MSR है एक। और इसका फर्स्ट स्टेप क्या है कि पहले स्टेप में A2 का ब्रेक डाउन हो रहा है, और ये एक रिवर्सिबल प्रोसेस है, और ये रिवर्सिबल प्रोसेस A प्लस A बना के यहाँ पे एंड होती है। बात आई समझ में? फिर इसके बाद क्या हो रहा है, ये A और B2 यहाँ से, जो ये B2 है ये आपस में रिएक्ट करते हैं, और ये बनाते हैं यहाँ पर AB प्लस B, और ये मेरे लिए क्या है, स्लो स्टेप है, ये मुझे क्वेश्चन में दे रखा है, बोल रहा है ऐसा। और थर्ड स्टेप, ये तो सेकंड था, थर्ड स्टेप में हमसे क्या कह रहा है, थर्ड स्टेप ये है कि यहाँ से जो एक A बचा था और यहाँ से जो एक B फॉर्म हुआ, ये आपस में रिएक्ट करके अगेन क्या बना लेता है, AB बना लेता है, ठीक। अब जब आप फाइनली तीनों स्टेप्स को ऐड करेंगे तो देखिए यही नेट रिएक्शन आपको दोबारा मिल जाएगी। तो ये डिफरेंट स्टेप्स दे रखा है जिसमें ये रिएक्शन हो रही है, मल्टी स्टेप रिएक्शन है, और हमें इसका रेट लॉ लिखना है। तो अब इसका रेट लॉ अगर मुझे लिखना हुआ तो देखिए मुझे ध्यान क्या रखना होगा, मुझे ध्यान ये रखना है कि मुझे इसमें इन्वॉल्व नहीं करना है इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स को, ठीक। तो देखिए हम करेंगे कैसे, सबसे पहले आपको करना क्या होगा, मैंने बोला था हमको मेन स्टेप हमारे लिए कौन सा वाला होता है, स्लोवेस्ट स्टेप। इसी स्लोवेस्ट स्टेप को देखते हुए मुझे सारे काम करने होते हैं। तो आप इस स्लो स्टेप को देखते हुए सबसे पहले अपनी तरफ से क्या लिख लीजिए, एक जनरल रेट लॉ लिख लीजिए इस रिएक्शन के लिए, ठीक। तो देखिए स्लो स्टेप को अगर देख के मैं रेट लॉ लिखूँ तो वो कैसा होगा, R इज इक्वल्स टू, अपनी तरफ से कॉन्स्टेंट मान लिया के, अब यहाँ पे रिएक्टेंट्स मुझे इन्वॉल्व करने होते हैं बस रेट लॉ में। तो रिएक्टेंट्स देखिए कौन है, कंसंट्रेशन ऑफ A और इसका मोलर कोफिशियंट 1 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ B2 और इसका भी मोलर कोफिशियंट कितना है, 1 ही है। बात आ गई ना आपको समझ में? तो ये मैंने क्या लिख लिया, रेट लॉ यहाँ पर। तो क्या अब हमारा काम हो गया, खत्म, आंसर यहीं पे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि आप देख रहे होंगे भाई साहब कि इस रेट लॉ में इन्वॉल्व हो गया कंसंट्रेशन ऑफ A, जो कि कहीं भी मुझे मेन रिएक्शन में नहीं दिख रहा है। क्या A कहीं मुझे मेन रिएक्शन में दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो इसे मैं रेट लॉ में कैसे इन्वॉल्व करूं जब कोई चीज़ मुझे मेन रिएक्शन में ही नहीं दी है। तो मुझे इसे यहाँ से रिप्लेस करना होगा, और रिप्लेस हम करेंगे कैसे, रिप्लेस हम करेंगे इस रिवर्सिबल स्टेप की मदद से। देखिए प्रोसेस यही है, सबसे पहले आपको क्या करना होता है, स्लोवेस्ट स्टेप देखकर रेट लॉ लिखना होता है, और जो भी इंटरमीडिएट्स उसमें गिवन हो, जो भी इंटरमीडिएट आए उसको स्लोवेस्ट स्टेप को, मतलब कोई रिवर्सिबल स्टेप देखिए रिएक्शन का दूसरा, और उसकी हेल्प से रिप्लेस कर दीजिए। थोड़ा सा हम यहाँ पे अब आयनिक इक्विलिब्रियम वाले टर्म्स अपने यूज़ करते हैं। अब देखिए कैसे यूज़ करेंगे, इस स्टेप को देख के ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है जो कि किसमें है, इक्विलिब्रियम में। तो मुझे इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखना आता है, हमने 11th क्लास में सीखा है। तो मान लेते हैं इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कितना है, K डैश। तो K डैश इज इक्वल्स टू क्या होता है,
कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स अपॉन में कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, यही होता है। तो देखिए प्रोडक्ट्स मेरे लिए क्या है, ए और ए है। अच्छा ए प्लस ए को मैं टू टाइम्स ऑफ ए भी लिख सकता हूँ, बिल्कुल इसमें कोई डाउट तो है नहीं, तो लिख सकते हैं। तो कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स लिख लेते हैं सबसे पहले। तो प्रोडक्ट मेरे लिए क्या है, टू ए, तो कंसेंट्रेशन ऑफ ए की पावर टू, टू तो क्या हो जाएगा मोलर कोफिशियंट, बात आई समझ में, अपॉन में कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो रिएक्टेंट अगर मैं अब लिखूंगा तो रिएक्टेंट कौन है, ए टू, तो यहाँ पे मैंने लिख लिया कंसेंट्रेशन ऑफ ए टू। अब देखिए ये जो टू है ना, ये ए टू मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पे मोलर कोफिशियंट कितना है, वन ही है, तो इस वजह से यहाँ पे वन हमने इंक्लूड नहीं किया है। बात आ गई आपको समझ में। अब ये देखिए, ये तो हमारे लिए क्या हो गया, इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट। अब इस इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट से मुझे रिप्लेस किसे करना है, ए को। तो मैं देखता हूँ कि मैं ए के प्लेस पे लिख क्या सकता हूँ। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से आएगा ए की पावर टू इज इक्वल्स टू, इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर दें तो के डैश इंटू में ए टू, बात आई समझ में। और हमें तो ए टू को, ए की पावर टू को नहीं लिखना है, ए की जगह लिखना है। तो यहाँ से कंसेंट्रेशन ऑफ ए इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, अंडर द रूट ऑफ के डैश इंटू में कंसेंट्रेशन ऑफ ए टू, बात आई समझ में ना। इतने में आपको कोई डाउट है, कोई डाउट आपको इतने में नहीं आएगा, बात आ गई समझ में। अब बस देखिए आपको ये मिल गया कि कंसेंट्रेशन ऑफ ए के इक्वल मैं क्या लिख सकता हूँ इस टर्म को। तो हम इसे यहाँ से अब रिप्लेस कर देते हैं, तो R इज इक्वल्स टू देखिए बनेगा क्या, यहाँ से हम कहाँ पे आएंगे, इस जगह। तो R इज इक्वल्स टू हमारे सामने बना K, जो कि यहाँ पे वेलोसिटी कॉन्स्टेंट है, और ये क्या है, ये इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट है। मैं लिख देता हूँ ताकि आप कन्फ्यूज ना हो, ठीक। तो K ये वेलोसिटी कॉन्स्टेंट इंटू A की जगह हम क्या रखेंगे, अंडर द रूट ऑफ के डैश इंटू में कंसेंट्रेशन ऑफ ए टू, ये ब्रैकेट के इन रूट के अंदर, और बाहर हमारे लिए क्या आ जाएगा मल्टीप्लाई में कंसेंट्रेशन ऑफ बी टू। समझ में आ गई बात। अब देखें यहाँ से R इज इक्वल्स टू ये कैपिटल K, K डैश को देखें हम कैसे लिख सकते हैं, K की पावर 1/2, K डैश की पावर 1/2, क्योंकि रूट मतलब पावर हाफ। इसी तरह से कंसेंट्रेशन ऑफ ए टू की पावर हाफ इंटू में कंसेंट्रेशन ऑफ बी टू, बात आई ना समझ में, इतना आपको आ गया। अब देखिए आपको यहाँ से एक सिंपल रेट लॉ की जनरल एक्सप्रेशन तो दिखने लगी होगी, लेकिन यहाँ पे आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि अरे हमने तो एक ही कांस्टेंट देखा था, यहाँ पे तो हमें दो कांस्टेंट नज़र आ रहे हैं। तो आप कुछ मत करिए, सिंपली अपनी तरफ से ये मान लीजिए कि के डॉट में के डैश की पावर हाफ, ये दोनों ओवरऑल है क्या, कांस्टेंट ही, तो इनका मल्टीप्लिकेशन भी ओवरऑल होगा क्या, एक कांस्टेंट। तो अपनी तरफ से आप यहाँ पे कोई दूसरा कांस्टेंट मान लीजिए, जैसे मान लेते हैं ये दोनों बराबर है किसके, के के नॉट के, चलिए हम अपनी तरफ से किया के की पावर जीरो आपको लग रहा हो तो चलिए के वन कर लेते हैं, इसमें कुछ भी आप मान सकते हैं अपनी तरफ से एक्स वाई जेड। तो हम के वन मान लेते हैं कि ये ओवरऑल दोनों कांस्टेंट हैं किसके बराबर, के वन के बराबर। तो जब हम इन्हें यहाँ पर रिप्लेस कर देंगे तो आर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, इन दोनों की जगह हमने क्या रख दिया, के वन इंटू में कंसेंट्रेशन ऑफ ए टू की पावर हाफ इंटू में कंसेंट्रेशन ऑफ बी टू, बात आ गई ना आपको समझ में। तो यहाँ से देखिए अब फाइनली ये हमारे लिए क्या आ गया, इस मल्टी स्टेप रिएक्शन का रेट लॉ, के आर इज इक्वल्स टू के वन ए टू दी पावर हाफ और बी टू। कैसे मैं कंफर्म हुआ, मैं श्योर हुआ कि यही है मेरा रेट लॉ, वो इस वजह से क्योंकि ए टू और बी टू यहाँ इन्वॉल्व है इस रेट लॉ की एक्सप्रेशन में, और ये ए टू और बी टू इस मेन रिएक्शन में भी इन्वॉल्व है। इसी चीज़ को देखकर मैं यहाँ पर श्योर हुआ कि मेरा यही रेट लॉ सही होगा इस मल्टी स्टेप रिएक्शन के लिए, ठीक। ये क्या हो गया हमारा आंसर। अब देखिए इस पूरे क्वेश्चन को देख के आप ये समझ गए होंगे कि किस तरह से मल्टी स्टेप रिएक्शन के लिए रेट लॉ लिखा जाता है, क्यों हम इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स वगैरह को इन्वॉल्व नहीं करते हैं, और मल्टी जो भी इंटरमीडिएट्स बन रहे हैं अगर रिएक्शन में तो उनको रिप्लेस किस तरह से किया जाए। मेथड जो जनरल मेथड है वो क्या है, सबसे पहले आप देखिए स्लोवेस्ट स्टेप को, स्लोवेस्ट स्टेप से आप क्या कर लीजिए, यहाँ पर एक जनरल रेट लॉ लिख लीजिए, फिर उसके अंदर जो भी आपके इन्वॉल्व हों इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स
उनको रिप्लेस कर लीजिए किसी भी गिवन रिवर्सिबल स्टेप से। जैसे यहाँ पहला स्टेप रिवर्सिबल था, तो उसको देख के मैंने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यहाँ लिख लिया और इस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की हेल्प से मैंने ए को रिप्लेस कर दिया। और फिर रिप्लेसमेंट करते ही आपको आपका फाइनली क्या मिल जाएगा, रेट लॉ। समझ में आ गई बात? हमेशा आपको देखिए इन कांस्टेंट को अपनी तरफ से कुछ लेट कर लेना होगा, नहीं भी करेंगे तो भी ये सही है, आप अपना आंसर यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं, बट हमें जनरली आदत होती है एक कांस्टेंट को देखने की, तो इस वजह से हमने दोनों की जगह क्या मान लिया, एक कोई कांस्टेंट। ठीक है, अब यहां पे देखिए हमसे पूछेगा कि बताइए ऑर्डर क्या होगा इस रिएक्शन का। तो ऑर्डर देखिए हम कैसे बताएंगे, रेट लॉ की एक्सप्रेशन से। ऑर्डर क्या होता है, x प्लस वाई के बराबर। तो यहां से देखिए ऑर्डर हो गया हाफ प्लस इसका कोफिशिएंट, इसकी पावर कितनी, 1, तो टोटल कितना आ गया यहां से, 3/2। तो आपने खुद देखा कि इस रिएक्शन का ऑर्डर कितना आ रहा है, 3/2, जो कि कैसा है, फ्रैक्शनल है। तो मतलब ऑर्डर आपका फ्रैक्शनल भी हो सकता है, पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो, इंटीजर, हर टाइप की वैल्यू यहाँ पर एग्जिस्ट कर सकती है। समझ में आ गई बात? तो चलिए ये एक बढ़िया सा क्वेश्चन था जो कि हमने अभी अभी देखा और आप समझ भी गए। अब हम लोग देखते हैं मॉलिक्यूलैरिटी के बारे में कि मॉलिक्यूलैरिटी क्या चीज़ होती है, बिकॉज आपसे डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस किए जाएंगे एग्जाम में ऑर्डर और मॉलिक्यूलैरिटी से रिलेटेड। कभी कभी दोनों में हमें एक डिफरेंस क्रिएट करने के लिए भी बोल दिया जाता है, तो सारी चीज़ें हम देखेंगे कि क्या होती हैं। चलिए हेडिंग लिख लीजिए आप सभी, मॉलिक्यूलैरिटी, मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ रिएक्शन। अगर देखिए हमें मॉलिक्यूलैरिटी समझना है तो मॉलिक्यूलैरिटी थोड़ा सा रिलेट होती है कोलिजन थ्योरी से, जो कि हम आगे पढ़ने वाले हैं अपने इसी केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर में। क्या है कोलिजन थ्योरी? कोलिजन थ्योरी ऑफ रिएक्शंस ये कहती है कि कोई भी केमिकल रिएक्शन तब होती है जब डिफरेंट डिफरेंट रिएक्टेंट्स के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो आपस में एक दूसरे से टकराते हैं। कोलिजन मतलब टकराना, ठीक है। किसी एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के अंदर जितने ज़्यादा पार्टिकल्स एक दूसरे से टकराते हैं वही उस रिएक्शन की मॉलिक्यूलैरिटी के बराबर होता है। मतलब अगर मैं बोल दूँ एक सेकेंड में 10 मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड कर रहे हैं तो यहाँ पर मॉलिक्यूलैरिटी आपकी क्या हो जाएगी, 10 के बराबर। बात आई ना समझ में? लेकिन इन जनरल अगर हमें थ्योरेटिकली मॉलिक्यूलैरिटी को कैलकुलेट करना हो, ये तो एक्सपेरिमेंटल चीज़ हुई ना, अगर हमें थ्योरेटिकली देखना हो मैथमेटिकल फॉर्म में इक्वेशंस की हेल्प से कि मॉलिक्यूलैरिटी क्या है, तो हम जनरली इसमें जो डिफरेंट स्टेप्स रिएक्टेंट्स इन्वॉल्व हैं उन्हें देखते हुए डिसाइड कर लेते हैं कि मॉलिक्यूलैरिटी किसी रिएक्शन की क्या होगी। जैसे अगर हम लोग बोलें किसी सिंगल स्टेप रिएक्शन के लिए, तो सिंगल स्टेप रिएक्शन के लिए देखिए क्या होगा। सिंगल स्टेप रिएक्शन कैसी रिएक्शन, जिसमें प्रोडक्ट्स आपके डायरेक्टली फॉर्म हो, ए प्लस बी से क्या बन गए, मेरे प्रोडक्ट्स बन गए। तो इन रिएक्शंस की देखिए जो मॉलिक्यूलैरिटी होती है ना, वो इसमें इन्वॉल्व प्रोडक्ट्स के जो मोलर कोफिशियंट होते हैं, सॉरी रिएक्टेंट्स के, उनके सम के बराबर होती है। जैसे अगर मैं यहाँ पे आपसे पूछूँ कि बताइए मॉलिक्यूलैरिटी क्या होगी इस इक्वेशन के लिए, तो आप बोलेंगे यहाँ पर ए का मोलर कोफिशियंट है 1 और बी का भी मोलर कोफिशियंट है 1, तो यहाँ पर मॉलिक्यूलैरिटी कितनी हो गई, 2 के बराबर। ये तरीका होता है किसका, मॉलिक्यूलैरिटी कैलकुलेट करने का किसी सिंगल स्टेप रिएक्शन के लिए। लेकिन यहाँ पर देखिए अगर इसी सिंगल स्टेप की जगह मैं किसी मल्टी स्टेप रिएक्शन की बात आपके सामने करूँ, तो मल्टी स्टेप रिएक्शन तो अब एक स्टेप में होने वाली नहीं है। जैसे हम पिछला ही एग्जाम्पल अगर ले लें तो A2 प्लस B2 आपस में रिएक्ट करके बनाते हैं 2 times ऑफ AB, तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेप आपके लिए क्या था, फर्स्ट स्टेप में A2 का ब्रेकडाउन होता था इनटू A प्लस A, सेकेंड स्टेप में ये A कंबाइंड होता था B2 के साथ और ये फॉर्म करता था AB प्लस में B, और थर्ड स्टेप में यहाँ पर देखिए क्या होता था कि A और B आपस में कंबाइंड होकर फॉर्म करते थे AB को। अब यहाँ पे देखिए अगर मैं आपसे बोल दूँ कि आपका जो स्लो स्टेप है वो कौन सा वाला है, ये फर्स्ट वाला है, यहाँ से A2 जो है आपका वो स्लो स्टेप है, तो देखिए यहाँ पे आप क्या बोलेंगे। अब अगर मल्टी स्टेप रिएक्शन में मॉलिक्यूलैरिटी की हम बात करें तो यहाँ पर तो 3 डिफरेंट स्टेप्स हो गए, तो आप ये कर सकते हैं ना कि आप हर एक स्टेप के लिए इंडिविजुअल मॉलिक्यूलैरिटी डिसाइड कर सकते हैं। मतलब आप हर एक स्टेप की मॉलिक्यूलैरिटी अलग अलग भी डिफाइन
कर सकते हैं। और एक चीज़ और स्पेशलिटी है यहाँ पर कि मॉलिक्यूलैरिटी लिखते समय आप इंटरमीडिएट्स को भी इन्वॉल्व करते हैं, जो भी इंटरमीडिएट्स फॉर्म हो रहे हैं उनको भी आपको इन्वॉल्व करना है, लेकिन रेट लॉ लिखते समय हम इंटरमीडिएट्स इन्वॉल्व नहीं करते हैं, ये बात आपको ध्यान में रखनी होगी। अच्छा, मॉलिक्यूलैरिटी लिखते समय हम करते क्यों हैं, क्योंकि मॉलिक्यूलैरिटी में हमें देखना क्या है, कोलिजन देखना है पार्टिकल्स का। अब जाहिर सी बात है जो इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्म हो रहा है उसके पार्टिकल्स भी तो कोलाइड करेंगे ही ना आपस में, तो इस वजह से यहाँ पर मुझे इंटरमीडिएट्स को भी इंक्लूड करना पड़ेगा। तो चलिए एक एक स्टेप के लिए इंडिविजुअल मॉलिक्यूलैरिटी लिखते हैं। जैसे अगर इस फर्स्ट स्टेप के लिए हम बात करें तो यहाँ पर देखिए एक ही केवल और केवल मॉलिक्यूल है, कौन, ए2, तो इसकी मॉलिक्यूलैरिटी कितनी हो गई, 1 हो गई। यहाँ पर दो हैं A और B2, तो 1 इसका कोफिशियंट और 1 इसका कोफिशियंट, तो 1 प्लस 1 कितना हो गया, 2, और इस स्टेप में भी 1 प्लस 1 कितना हो गया, 2 के बराबर। तो देखिए ये आगे हम मोलर कोफिशियंट्स को देख रहे हैं, आप कहीं इन प्रोडक्ट कंपाउंड्स को मत गिनने लगिएगा, हम मोलर कोफिशियंट के बेस पे, यहाँ पे मोलर कोफिशियंट 1 है, मॉलिक्यूलैरिटी 1, यहाँ पे मोलर कोफिशियंट इसका 1 है, इसका 1, तो दोनों का मिला के कितना हो गया, 2। अगर सपोज करिए यहाँ पे B2 के आगे 2 लिखा होता ना, तो 1 प्लस 2 कितना हो जाता, 3 हो जाती मॉलिक्यूलैरिटी, लेकिन 1 ही लिखा है तो हम 1 ही लिखेंगे, समझ में आई बात। अब यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, ये तो तीनों स्टेप्स की मॉलिक्यूलैरिटी आ गई डिफरेंट, तीनों की इंडिविजुअल मॉलिक्यूलैरिटी तीनों स्टेप की, लेकिन अगर कोई आपसे पूछे कि बताइए इस मल्टी स्टेप रिएक्शन की मॉलिक्यूलैरिटी कितनी है, तो हमेशा जो स्लोवेस्ट स्टेप होगा ना वही हमें मॉलिक्यूलैरिटी देगा, मतलब स्लोवेस्ट स्टेप की मॉलिक्यूलैरिटी कितनी है, 1 है, तो यही रिएक्शन की भी मॉलिक्यूलैरिटी होगी। बात आई ना समझ में, यानी जो स्लोवेस्ट स्टेप है किसी भी मल्टी स्टेप रिएक्शन का वही मेरे लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज वही मुझे ऑर्डर देगा, वही मुझे रेट लॉ देगा और वही मुझे मॉलिक्यूलैरिटी भी देगा। तो यहाँ पर स्लोवेस्ट स्टेप की मॉलिक्यूलैरिटी है 1, तो हम बोलेंगे कि इस मल्टी स्टेप रिएक्शन की मॉलिक्यूलैरिटी भी कितनी है, 1 के बराबर है। समझ में आ गई ना बात आपको, तो ये ओवरऑल आइडिया था किसके बारे में, मॉलिक्यूलैरिटी के बारे में। इसके अलावा हमने देखा सिंगल स्टेप मल्टी स्टेप की। अब देखिए ऑर्डर और मॉलिक्यूलैरिटी एक दूसरे से डिफरेंट कैसे हैं। ऑर्डर जो है किसी रिएक्शन का वो हमें क्या बताएगा कि रिएक्शन किस स्पीड से प्रोसीड हो रही है या फिर रिएक्शन के होने का रेट क्या है, इसके बारे में एक जनरल आइडिया देगा। इसके अलावा आपका ऑर्डर पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो, फ्रैक्शनल कुछ भी हो सकता है, लेकिन अगर हम लोग यहाँ पे बात करें मॉलिक्यूलैरिटी की तो किसी भी रिएक्शन की जो मॉलिक्यूलैरिटी होगी ना आपके लिए वो हमेशा एक इंटीग्रल नंबर ही होगा। बात आ गई ना समझ में, नेगेटिव वैल्यू यहाँ पे मॉलिक्यूलैरिटी की एग्जिस्ट नहीं कर सकती है, मॉलिक्यूलैरिटी कभी जीरो भी नहीं हो सकती है, फ्रैक्शनल कभी कभी हो सकती है इन सम केसेस, जो कि मैं आपको कोशिश करूँगा एक आगे एग्जाम्पल्स में शो करने की, लेकिन ये कभी भी नेगेटिव या जीरो नहीं होगी, या तो एक इंटीग्रल नंबर आएगा या फिर एक फ्रैक्शनल नंबर आएगा। फ्रैक्शनल भी बेसिकली रेयरली एग्जिस्ट करेगा, वो तो बैलेंसिंग वगैरह में अगर आ गया तो आ गया, अदरवाइज आप मान के चलिए कि आपको एक इंटीग्रल वैल्यू ही मिलने वाली है। बात आई समझ में। अब एक एग्जांपल चलिए मैं और आपको यहाँ से करा देता हूँ ताकि पूरी तरीके से आपका डाउट क्लियर हो जाए, रेट लॉ किस तरह से लिखें मल्टी स्टेप रिएक्शन का और मॉलिक्यूलैरिटी वगैरह को लेकर। अच्छा, अगर आपसे एक क्वेश्चन मैं पूछूँ कि बताइए क्या ऑर्डर और मॉलिक्यूलैरिटी दोनों ही हमें स्लो स्टेप से मिल रहे हैं, तो इसका मतलब ऑर्डर और मॉलिक्यूलैरिटी एक दूसरे के इक्वल होंगे, तो इसका जवाब आप क्या देना चाहेंगे, तो इसका जवाब ये होगा कि ऑर्डर और मॉलिक्यूलैरिटी भले ही दोनों हमें स्लो स्टेप से ही मिल रहे हैं लेकिन दोनों इक्वल हो भी सकते हैं और नहीं भी, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो हमेशा इक्वल ही हो और ऐसा भी ज़रूरी नहीं है कि हमेशा ना इक्वल हो, मे और मे नॉट वाला यहाँ पे केस होता है। चलिए तो एक एग्जांपल हम लोग और इस पे ऊपर कर लेते हैं, बहुत ही पॉपुलर एग्जांपल है O3 से O2 का बनना, यानी ओजोन से ऑक्सीजन का बनना। अब यहाँ पे देखिए आप रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए 2 और इधर 3 जोड़ सकते हैं, बहुत ही सिंपल सी रिएक्शन है, इधर 3 हो उधर 2 लगा दीजिए, इधर 2 हो उधर 3, और जनरल बैलेंसिंग भी आप कर सकते हैं। अब यहाँ से देखिए ये एक मल्टी स्टेप रिएक्शन होती है जिसका फर्स्ट स्टेप क्या होता है, सबसे पहले O3 जो है आपका इसका ब्रेक डाउन होता है इसमें O2 प्लस O रेडिकल में, और ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन होती है। यहाँ पे ये क्या हमारे लिए फॉर्म हुआ, ऑक्सीजन रेडिकल, ये रिवर्सिबल स्टेप हो गया। अब सेकेंड स्टेप में इस रिएक्शन के क्या होता है,
सेकेंड स्टेप में ये जो आपका O3 है ये एक O रेडिकल के साथ में कंबाइंड होके 2 times ऑफ ऑक्सीजन का फॉर्मेशन करता है, जो कि क्या होता है, एक स्लो स्टेप होता है। समझ में आ गई बात। अब यहाँ से देखिए, हमसे बोल रहा है कि इस वाली रिएक्शन का आप रेट लॉ बताइए, यानी फाइंड रेट लॉ। समझ में आ गई बात। अब देखिए हमें इसे करना कैसे होगा। करेंगे हम वही, हमें किसको पकड़ना होता है, बस स्लो स्टेप को। तो स्लो स्टेप को उठाया हमने, तो ये हमें क्या देगा निकाल के, रेट लॉ। ये हमसे बोलेगा कि R इज इक्वल्स टू रेट लॉ, यहाँ से हम क्या लिखेंगे, R इज इक्वल्स टू होगा कॉन्स्टेंट K इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ O3 की पावर 1, क्योंकि इसका मोलर कोफिशियंट है 1, इंटू में कंसेंट्रेशन ऑफ नेसेंट ऑक्सीजन। बात आ गई समझ में, या फिर ऑक्सीजन रेडिकल। तो यहाँ से देखिए, ये रेट लॉ तो हमने लिख लिया, लेकिन ये हमारा एक्चुअल रेट लॉ है नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इन्वॉल्व है ये नेसेंट ऑक्सीजन, ऑक्सीजन रेडिकल का कंसंट्रेशन, जो कि मुझे कहीं भी मेन रिएक्शन में दिख नहीं रहा है। क्या कहीं आपको यहाँ पर ओ रेडिकल दिख रहा है? कहीं नहीं। तो इसका मतलब मुझे इसे ही रिप्लेस करना है। अब इसे रिप्लेस हम कैसे करेंगे, इस रिवर्सिबल स्टेप की हेल्प से। कैसे? तो यहाँ से देखिए, रिवर्सिबल स्टेप के लिए मैं क्या लिखूंगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो ये क्या होगा, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट जो कि है O2 और O, यानी कंसंट्रेशन ऑफ O2 मल्टीप्लाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ O डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट जो कि कौन है, O3। तो ये हमने लिख लिया क्या, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यहाँ पर। अब आगे देखिए क्या करना है, मुझे रिप्लेस करना है O को। तो इसका मतलब O इज इक्वल्स टू, मुझे कुछ लिखना पड़ेगा। तो कंसंट्रेशन ऑफ O इज इक्वल्स टू होगा K इक्विवेलेंट इंटू कंसंट्रेशन ऑफ O3, इसका मल्टीप्लाई हम यहाँ करेंगे, डिवाइड बाई कंसंट्रेशन ऑफ O2। बात आ गई ना समझ में, ये तो बेसिक कैलकुलेशन है। अब यहाँ से इसका मतलब ये है कि मैं कंसंट्रेशन ऑफ O की जगह इतना टर्म लिख सकता हूँ, कोई भी दिक्कत नहीं है, बिकॉज ये इसके इक्वल है। तो यहाँ से देखिए, हम O को रिप्लेस करेंगे जब, फाइनली यहाँ से हम यहाँ जंप करते हुए आए, तो R इज इक्वल्स टू, अब क्या बना देखिए, K ये जो वेलोसिटी कांस्टेंट है आपका, इंटू कंसंट्रेशन ऑफ O3, ये हम एज इट इज़ रखेंगे। इसके बाद इस कंसंट्रेशन ऑफ O की जगह क्या रखेंगे, K इक्विवेलेंट इंटू कंसंट्रेशन ऑफ O3 डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ O2। यहाँ पे एक्चुअली कंसंट्रेशन ऑफ, हाँ ठीक है, तो डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ O2। बात आ गई ना समझ में। अब देखिए आगे करना क्या है, यहाँ से हमें मिल जाएगा R इज इक्वल्स टू K इंटू K इक्विवेलेंट, कॉन्स्टेंट्स को हम एक जगह कर लेते हैं, तो K इंटू में K इक्विवेलेंट। इसके बाद देखिए, कंसंट्रेशन ऑफ O3 और कंसंट्रेशन ऑफ O3 दो बार है, तो पावर कितनी हो गई इसकी, 2। तो कंसंट्रेशन ऑफ O3 की पावर 2 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ O2 जो है अपॉन में, ये नीचे है, तो इसकी पावर यहाँ कितनी है, 1, और ऊपर जाते इसकी पावर कितनी हो जाएगी, -1। यानी कि अब ये क्या बन गया, फाइनली कंसंट्रेशन ऑफ O2 की पावर -1। बात आई ना समझ में। अब यहाँ से देखिए, हमें अगेन दो दो कांस्टेंट दिख रहे हैं, तो इनकी जगह हम अपनी तरफ से कोई एक कांस्टेंट मान लेते हैं, कि के इंटू के इक्विवेलेंट ये किसके बराबर है, के डैश के। बात आई ना समझ में। यहाँ पे भी हम छोड़ सकते हैं, लेकिन हमें अच्छा नहीं लगता देखने में, तो R इज इक्वल्स टू हम क्या लिख लेंगे, के डैश इंटू कंसंट्रेशन ऑफ O3 की पावर 2 कंसंट्रेशन ऑफ O2 की पावर -1। तो ये मेरे लिए फाइनली क्या बन गया, रेट लॉ इस मल्टी स्टेप रिएक्शन के लिए। बात आई ना आपको समझ में। एक चीज़ तो ये हमने लिख ली, अब यहाँ से हमसे पूछेगा ऑर्डर बताइए, तो ऑर्डर देखिए हम क्या बोलेंगे, 2 - 1, यानी कि 1 के बराबर हो गया यहाँ पे मेरा इस रिएक्शन का ऑर्डर। हमसे पूछेगा मॉलिक्युलैरिटी बताइए, तो मॉलिक्युलैरिटी हमें कहाँ से मिलती है, स्लोएस्ट स्टेप से, क्योंकि रेट लॉ मुझे सिर्फ ऑर्डर दे सकता है, मॉलिक्युलैरिटी के बारे में कोई आइडिया मुझे प्रोवाइड नहीं करता। तो स्लोवेस्ट स्टेप को मैंने देखा ये, तो यहाँ पर मुझे दो ओवरऑल कंपोनेंट्स दिख रहे हैं, एक O3 एक O, इसका मोलर कोफिशियंट है 1, इसका भी मोलर कोफिशियंट 1, तो 1 + 1 कितना हो गया, 2, यानी कि यहाँ से मॉलिक्युलैरिटी कितनी हो गई, 2 हो गई, और ये रेट लॉ तो हमने लिख ही दिया। अब एक चीज़ और आप देखिए यहाँ से, यहाँ पर एक चीज़ अगर आपने नोटिस की हो, तो मैंने आपको बोला था ऑर्डर नेगेटिव भी हो सकता है, और आप खुद देख रहे हैं कि यहाँ पर O2 के रेस्पेक्ट में अगर हम देखें इस इक्वेशन में,
O2 के रेस्पेक्ट में अगर देखें तो ऑर्डर देखिए कैसा है, नेगेटिव है, दिख रहा है ना आपको। O2 पे पावर माइनस वन का मतलब क्या है कि O2 के रेस्पेक्ट में ऑर्डर कैसा गया, नेगेटिव, और ओवरऑल रिएक्शन का ऑर्डर कैसा है, वन है। तो आप अब पूरी तरीके से श्योर हो गए होंगे कि ऑर्डर फ्रैक्शनल, पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटीग्रल वैल्यू कुछ भी हो सकता है। अभी इसके पहले हमने जो एग्जांपल किया था उसमें आपका ऑर्डर कैसा था, फ्रैक्शनल, अभी यहाँ पर नेगेटिव आ गया, इंटीग्रल तो आया ही, आपने खुद देखा ये ऑर्डर वन है। इसके अलावा ऑर्डर ज़ीरो भी हो सकता है, बात आई ना आपको समझ में। तो ये ओवरऑल देखिए एक पूरा का पूरा मैंने आइडिया आपको प्रोवाइड कर दिया, किसके बारे में, रेट लॉ, डिफरेंट डिफरेंट स्टेप्स की रिएक्शन के बारे में, मैकेनिज्म से हम कैसे लिखें, इंटरमीडिएट वगैरह क्या होते हैं, क्या होता है ऑर्डर, क्या होती है मॉलिक्यूलरिटी, सब कुछ हमने देखा। अब एक और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ लेते हैं जो कि है स्यूडो यूनिमोलेक्युलर रिएक्शंस का। स्यूडो यूनिमोलेक्युलर रिएक्शंस आपके लिए उतनी ही इम्पॉर्टेंट है जानना जितना कि आपके लिए ये कॉन्सेप्ट था, क्योंकि देखिए ये दोनों कॉन्सेप्ट जो आज की क्लास में मैं आपको बता रहा हूँ इनसे हर साल ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपके बोर्ड एग्जाम्स में। 4 to 5 मार्क्स के क्वेश्चन आपको यहाँ से इस पूरे टॉपिक से मिलेंगे, केमिकल काइनेटिक्स से हर साल गारंटेड क्वेश्चन यहाँ से आता है। बिकॉज फिजिकल केमिस्ट्री से जो भी पोर्शन उठते हैं उनसे थ्योरेटिकल पोर्शंस तो इम्पॉर्टेंट है ही है, न्यूमेरिकल पोर्शंस भी उतने ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि वो न्यूमेरिकल आप तब तक नहीं सॉल्व कर पाएंगे जब तक आपको थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से क्लियर नहीं होंगे। तो अब चलिए हेडिंग क्विकली एकदम हम लोग नोट डाउन करेंगे, क्या, स्यूडो यूनिमोलेक्युलर रिएक्शंस। स्यूडो यहाँ पे हम लिख लेते हैं यूनिमोलेक्युलर रिएक्शंस, ठीक है। क्या होती हैं ये रिएक्शंस, देखिए अगर मैं बोलूं कि कोई ऐसी रिएक्शन है जो जनरली किसी अदर ऑर्डर को फॉलो कर रही है, जैसे सेकेंड ऑर्डर को या फिर थर्ड ऑर्डर को, इस टाइप का, लेकिन तुरंत ही क्या हो जाए कि वो रिएक्शन जब मैं किसी एक कंपोनेंट को एक्सेस में ले लूं कन्वर्ट हो जाए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस में, तो ऐसी रिएक्शंस को मैं बोलता हूँ स्यूडो यूनिमोलेक्युलर रिएक्शंस। बात आई समझ में, जैसे कहने का मतलब ये कि मान लीजिए एक मेरे पास कोई जनरल रिएक्शन थी ए प्लस बी से मुझे मिल रहे थे मेरे प्रोडक्ट्स पी, ठीक है, और मैं आपको बोल रहा हूँ कि इस रिएक्शन का ऑर्डर कितना है 2, यानी कि ये एक सेकेंड ऑर्डर की रिएक्शन है, बात आई समझ में। अब यहाँ पे देखिए हुआ क्या, ये इनिशियली बात थी, मतलब शुरुआत में जब अभी ये रिएक्शन हो रही थी, मैंने क्या किया बी का कंसंट्रेशन यहाँ पे इंक्रीज कर दिया। तो बी का कंसंट्रेशन इंक्रीज करने पर देखिए हुआ क्या, मैंने क्या देखा कि ये जो ए प्लस बी से प्रोडक्ट वाली ये रिएक्शन है ना, अब फाइनली अगर मैं देखूँ तो ये किस में कन्वर्ट हो गई, बी का कंसंट्रेशन बढ़ाते ही फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन में। तो मैं बोलूँगा ये कि रिएक्शन ने बदला अपना रंग गिरगिट की तरह, सेकेंड ऑर्डर से कन्वर्ट हो गई फर्स्ट ऑर्डर में, तो ये है मेरे लिए स्यूडो यूनिमोलेक्युलर रिएक्शन। यूनिमोलेक्युलर ही मतलब ऑर्डर वन, यूनि मतलब क्या होता है वन, तो यूनिमोलेक्युलर मतलब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। यहाँ पे स्यूडो वर्ड हम किसके लिए यूज़ करते हैं, किसी इंस्टेंट चेंज के लिए, तो मतलब वो रिएक्शन जिसमें तुरंत चेंज हो जाए और कन्वर्ट हो जाए यूनिमोलेक्युलर यानी फर्स्ट ऑर्डर में, वो क्या होती है स्यूडो यूनिमोलेक्युलर रिएक्शन। कब चेंज होगी, जब आप किसी एक कंपोनेंट को एक्सेस में ले लेंगे, बात आई ना समझ में, जैसे यहाँ पे मैंने बी को एक्सेस में ले लिया था। अब ऐसी रिएक्शंस का एग्जांपल क्या है, तो देखिए नॉर्मल एग्जांपल हम अपनी डेली लाइफ का ही एक जानते हैं, अगर हम शुगर को मिला रहे हैं वाटर में यानी चीनी को मिला रहे हैं पानी में, तो ये एक स्यूडो यूनिमोलेक्युलर रिएक्शन होती है, क्योंकि देखिए होता क्या है C12H22O11, ठीक है, ये शुगर, इसे कॉमन लैंग्वेज हम किस नाम से जानते हैं, सुक्रोज के नाम से। अगर मैं सुक्रोज का हाइड्रोलिसिस करवाऊँ यानी वाटर, नॉर्मल हमें अगर देखिए एग्जाम में लिखना होगा तो हम ऐसे तो बोलेंगे नहीं कि चीनी को पानी में मिलाने की जो प्रोसेस होती है ये स्यूडो यूनिमोलेक्युलर रिएक्शन होती है, नहीं, इस प्रोसेस का नाम क्या होगा, हाइड्रोलिसिस ऑफ शुगर, हाइड्रोलिसिस ऑफ शुगर, या फिर सुक्रोज भी आप लिख सकते हैं, ठीक। तो हाइड्रोलिसिस ऑफ शुगर, तो यहाँ पे C12H22O11 सुक्रोज हो गया, H2O वाटर, जब मैं इसको पानी में डालता हूँ सुक्रोज को तो ये मुझे बना के देता है ग्लूकोज C6H12O6, साथ ही साथ बना के देता है फ्रक्टोज जिसका फॉर्मूला ग्लूकोज के सिमिलर ही होता है यानी C6H12O6। ये क्या है, ग्लूकोज है, और ये क्या है मेरा
फ्रक्टोज है, फ्रक्टोज, ठीक है, एक केन शुगर है और एक आपका फ्रूट शुगर है। ग्लूकोज आपका गन्ने से मिलता है और फ्रक्टोज जो है आपका ये फ्रूट्स वगैरह से मिलता है, तो दोनों का मॉलिकुलर फार्मूला सेम ही होता है, बस स्ट्रक्चर दोनों का अलग अलग होता है। ग्लूकोज जो होता है आपका ये एल्डो हेक्सोज होता है और फ्रक्टोज आपका एल्डो कीटोज होता है, बात है, सॉरी कीटोज होता है, बात आई समझ में। तो दोनों चीज़ें देखिए यहाँ पे आपको ये एक मतलब कॉमन प्रोसेस है जो आप पढ़ेंगे जाके बायोमोलिक्यूल चैप्टर में काफ़ी डिटेल में, इन्वर्जन ऑफ शुगर नाम से वहाँ आपको एक टॉपिक पढ़ाया जाएगा। बट हमें अभी क्या डिस्कस करना है, स्यूडो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन के बारे में। तो देखिए ये जो रिएक्शन होती है ना, ये इनिशियली तो क्या फॉलो करती है, सेकेंड ऑर्डर को, किसको फॉलो करती है, सेकेंड ऑर्डर को, लेकिन जैसे ही मैं क्या करूँ ना, वाटर का अमाउंट बढ़ा दूं, मतलब मैं वाटर किसमें कर दूं, एक्सेस में, तो वाटर को एक्सेस में करते ही आपकी ये जो रिएक्शन होगी ये कन्वर्ट हो जाती है किसमें, फर्स्ट ऑर्डर में। मतलब क्या, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का मतलब ये कि इसका ऑर्डर कितना हो गया, वन हो गया, यूनिमोलिकुलर हो गई, और अब इसकी डिपेंडेंसी सिर्फ और सिर्फ किसके ऊपर है, किसी एक कंपोनेंट के ऊपर। और साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंटली इसका जब रेट लॉ लिखा तो उन्होंने ये देखा कि इसका रेट लॉ होता है R इज इक्वल्स टू K, कोई कांस्टेंट, इंटू C12H22O11 की पावर 1। बात आई ना समझ में, यहाँ पर रेट लॉ एक्सप्रेशन में आप खुद देख सकते हैं H2O इन्वॉल्व नहीं होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर सुक्रोज के रेस्पेक्ट में ही रिएक्शन का ऑर्डर कितना है, 1 है। मतलब ये आपने देखा कि अगर मैं यहाँ पर वाटर का अमाउंट बढ़ा दूँ, वाटर को एक्सेस में ले लूँ, तो अब सारी की सारी डिपेंडेंसी की कितना ग्लूकोज कितना फ्रक्टोज बनेगा ये किसके ऊपर चली गई, सुक्रोज यानी चीनी के ऊपर वाटर की डिपेंडेंसी पूरी तरीके से यहाँ पे ख़त्म हो गई। इसी वजह से हमने रेट लॉ की एक्सप्रेशन में भी वाटर को इन्वॉल्व नहीं किया, क्योंकि रेट लॉ में हम सिर्फ कौन से कंपोनेंट्स लिखते हैं जिनके ऊपर रिएक्शन का रेट डिपेंड करता हो। तो स्यूडो यूनिमोलिकुलर रिएक्शंस में आप याद रखिएगा कि जो रिएक्टेंट या फिर जो कंपाउंड हम एक्सेस में ले लेते हैं उसके ऊपर से रिएक्शन की डिपेंडेंसी ख़त्म हो जाती है। क्यों ख़त्म हो गई, देखिए, क्योंकि उसका कंसेंट्रेशन आपने एक्सेस में ले लिया है और उसके में जो चेंज होगा, मान लीजिए अगर आपने 1 लीटर पानी ले लिया था, बाद में उसके कंसेंट्रेशन में 10 ml का चेंज आ गया, तो ये 10 ml का जो चेंज आया वो 1 लीटर के कंपैरिजन में तो लगभग नेग्लेजिबल ही है ना, आप बोलेंगे कोई चेंज नहीं आया। और अगर उसके कंसेंट्रेशन में कोई चेंज नहीं आ रहा है तो हम उसे रेट लॉ की एक्सप्रेशन में इन्वॉल्व भी नहीं करेंगे, उस पर से डिपेंडेंसी ख़त्म, समझ में आई बात। तो ये होती है आपकी स्यूडो यूनिमोलिकुलर रिएक्शंस। ध्यान रखिएगा 4 नंबर का एक बहुत ही अच्छा थ्योरेटिकल टॉपिक है, आपसे एग्जाम में ऐसे पूछेगा कि स्यूडो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन को विद एग्जांपल डिफाइन करिए, बस आपको इतनी बातें लिखनी होगी कि वो रिएक्शंस जो जनरली सेकेंड या किसी और ऑर्डर को फॉलो करती हैं, लेकिन अगर किसी एक कंपोनेंट को हम एक्सेस में ले लें तो ये रिएक्शंस इंस्टेंटली फर्स्ट ऑर्डर में कन्वर्ट हो जाती हैं, उन्हें ही हम स्यूडो यूनिमोलिकुलर रिएक्शंस कहते हैं। एग्जाम्पल क्या है आपके सामने, हाइड्रोलिसिस ऑफ शुगर या फिर सुक्रोज, बात आई ना समझ में। तो स्टूडेंट्स इसी के साथ में आज की अपनी क्लास को हम यहीं पर स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट जो हमारी आने वाली क्लासेस है उसमें मैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बेसिस पर रिएक्शन को डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड करूंगा कि जैसे 0 ऑर्डर रिएक्शन क्या होती है, 1st ऑर्डर रिएक्शन क्या होती है, हमें इन सब के बारे में पढ़ना होगा। साथ ही साथ में हम उनके लिए डिफ्रेंशिएटेड रेट लॉ, इंटीग्रेटेड रेट लॉ वगैरह के कॉन्सेप्ट क्या होते हैं ये सब कुछ भी पढ़ेंगे, हाफ लाइफ वगैरह जो कुछ भी है सब कुछ पढ़ेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। आपको बस तब तक क्या करना है कि जितना आज के टॉपिक में मैंने पढ़ाया उसको अच्छे से रिवाइज करना है और पिछले टॉपिक्स में जितना पढ़ा उनको भी कंप्लीटली रिवाइज करते रहना है, तभी आपको आगे वाली क्लासेस जितनी है वो समझ में आएंगी। तो इतना काम आप लोग करिएगा, मिलेंगे हम लोग अपनी अगली क्लासेस में, टिल देन बाय।